हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो राइट नाउ गाइस, पैट मैकफी के शो का जो मतलब उन्होंने रॉक को बुलाया था उसका पूरा आपको अपडेट देता हूँ। एंड गाइस, जो मींस डब्ल्यूडब्ल्यूई में हुआ आज, यार मस्ट वॉच था। क्या ऑसम फीलिंग थी, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से इतना बेस्ट सेगमेंट रॉक का, पैट मैकफी एंड ऑस्टन थ्योरी, क्या सेगमेंट था, मज़ा आ गया यार। एंड गाइस, जो पैट मैकफी का शो था जिसमें पॉडकास्ट होता है, वो बुलाते हैं सबको, उनका अपना एक शो है, उन्होंने रॉक को बुलाया था। एंड रॉक उस शो में आए थे एंड उन्होंने बहुत सी बातें की, मतलब पैट मैकफी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे एंड रॉक ने उनका आंसर दिया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल पैट मैकफी ने ये कहा कि अब तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई की रिंग में क्यों नहीं आते, व्हाई यू नॉट कम इन डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग एंड फाइट फॉर लाइक अ रेसलर। तो उन्होंने मतलब सिंपल सी बातें पूछी कि क्यों नहीं आते, ऐसे मतलब रीज़न क्या है। तो उन्होंने में जैसे स्पेकुलेशन चलती कि रॉक बिजी रहते हैं हॉलीवुड में, उनका शेड्यूल नहीं बनता, वो इंजरी से डरते हैं, मतलब इंजरी हो सकती है, इंजरी चांसेस हो सकते हैं हॉलीवुड में, तो उन्हें एक्टिंग करियर पे मतलब पड़ सकता है असर। तो रॉक ने सब चीज़ों को डिनाई किया, उन्होंने कहा ऐसा कोई स्पेकुलेशन नहीं है कोई, मैं अगर शेड्यूल्ड कर सकता हूँ अपनी लाइफ के सारे मतलब सिस्टम तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो मतलब ठीक तरीके से शेड्यूल कर सकते हैं एंड बेस्ट वे से शेड्यूल कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एंड वो बता रहे हैं कि जब हॉलीवुड वाली थीम थी तो मैच होना तय हो चुका था, लॉक था ये मैच, रॉक वर्सेस रोमन रेंज ब्लड लाइन का मैच। निखा ने इनकी डील भी करवाई थी, मतलब निखा ने इनके लिए एक डील करवाने के लिए बैठे भी थे, बट कुछ जैसे डील हुई इंडेवर के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई की, तो उसके कारण कुछ ऐसी मतलब चीज़ें हुई जिसके कारण ये हो नहीं सका, क्योंकि आपको पता ही है इंडेवर के अंदर आ चुकी हुई, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई टीकेओ बन चुका है, मर्जर हो चुका है यूएफसी और इस चीज़ का। एंड ये बेस्ट भी है, एंड देखो तो सही गाइस, मतलब ब्लड लाइन का मैच होगा। एंड भाई रॉक ने कह दिया है कि नेक्स्ट रसलमेनिया जो होगी उसमें रोमन रेंज वर्सेस रॉक का मैच लॉक है। तो भाई साहब ये सोच के चलो कि रॉक एंड रोमन रेंज का मैच जो होगा वो नेक्स्ट रसलमेनिया में होगा। एंड भाई साहब जो ये मज़ा आने वाला है ना, इसमें टू मच मज़ा आने वाला है और इस लेवल तक आने वाला ना, आप सोच नहीं सकते। तो भाई साहब उन्होंने ऐसे तो नहीं कह दिया होगा, कुछ प्लान्स हैं, जैसे रॉक आ जाए, किक ऑफ किया, फिर से आएंगे रोमन रेंज के, और ये पूरी ब्लड लाइन की एक स्टोरी चलेगी जो पूरी तरह से फोकस करेगी। एंड वो रॉक ने कहा है कि अगर मैं आ रहा हूँ तो मैं कुछ ऐसा डिलीवर करूँ जिससे फ़ैन को अच्छा लगे, फ़ैन बेस्ट सोचें एंड बेस्ट थिंक इंजॉय करें, एंटरटेनमेंट को इंजॉय करें। एंड दिस इज़ द अपडेट। एंड गाइस, अगर अपडेट अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।